अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पे भी मैं नमाज़ पढ़ रही थी तो थोड़ी सी वीडियो शूट की, और उसके बाद आज डायरेक्ट हंडी पे आज सुबह के टाइम कल चावल बनाए थे पुलाव, तो उसके बाद सुबह के नाश्ते के लिए कुछ नहीं था, तो फिर हस्बैंड को भी लंच भेजना होता है, तो इसलिए फिर सबसे पहले आज हंडी के टाइम आज मैं बना रही थी आलू छोलिया, कल जो मैंने छील के रखा था। तो मैंने मसाला अच्छी तरीके से भून लिया था, उसके बाद मैंने वो छोलिया डाला और आलू डाले अच्छे तरीके से, इनको भी भून के, तो उसमें पानी हल्का सा लगा के प्रेशर पे लगा दिया था कि जल्दी से बन जाए। तो हंडी मैंने रख दी थी प्रेशर, अभी प्रेशर बना ही था तो फौरी गैस बंद हो गया, तो फिर इतनी मुश्किल से 12 बजे गैस आई, तो फिर मैंने बनाई हंडी और साथ पराठे, तो फिर नाश्ता किया, लेट हो गया बनाते बनाते भी। उसके बाद हमने नाश्ता किया तो फिर क्लीनिंग शुरू हो गई, किचन में चली गई, उसके बाद क्लीनिंग की गई सारी, बर्तन वगैरह वॉश किए, किचन साफ़ किया और डस्टिंग की किचन की। अब आस्ता सारी चीज़ें यहाँ पे ही मसाले रखे हुए, और ये सूखने के लिए मैंने सब्ज़ मिर्ची रेड हो गई थी तो ये सूखने के लिए रखी है कि ये सूख जाए। यहाँ पर ये मैंने बर्तन वॉश करके रख, और ये मेरा माशाल्लाह से एलोवेरा का पौधा ये मैंने लगाया था खुद, और ये मेरे सर में इतनी दर्द हो रही थी, मैंने पानी को थोड़ा सा नीम गर्म किया और टैबलेट को पानी में मिक्स किया और इसको पिया, तो शदीद इतनी शदीद सर में दर्द होने लग गई थी एकदम, तो फिर ये मैंने इसको घोल के फिर सूप सूप करके पिया, जैसे थोड़ा थोड़ा करके। तो उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर लेट की थी, यहाँ पे मैं पानी पी रही हूँ मेडिसिन वाला, तो उसके बाद थोड़ी देर में लेट गई थी, तो फिर मैंने चाय बनाई, चाय बना के पी के सर में थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाए। तो फिर साथ मैंने कहा चलो कल के चावल पड़े हुए हैं ये भी गर्म कर लेती हूँ, चाय के साथ चावल खाती हूँ। तो यहाँ पे आलमोस्ट चाय हमारी तैयार हो गई है, ये मैं डाली थी कप में, और भाई भी आ गए थे उनके लिए भी डाली थी साथ, और साथ ये बिस्किट भी खा रही हूँ भाई ले आए थे, और चावल भी साथ इंजॉय कर रही हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने शाम के टाइम दूध लेके आई, दूध गर्म किया, और आज की कुछ इतनी खास वीडियो शूट नहीं हुई। उसके बाद फिर ये शाम के खाने का टाइम, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चिकन, तो यहाँ पर कर रही हूँ प्याज फ्राई, प्याज को मैंने अच्छे तरीके से ब्राउन कर लिया था, तो फिर उसके बाद मैंने डाला चिकन, चिकन को मैंने अच्छे तरीके से भुना, क्योंकि इसको अगर भुनाई ना की जाए तो बिल्कुल भी खाने को दिल नहीं करता, तो यहाँ पे भी चिकन का कलर चेंज हो गया था। तो उसके बाद इसमें मैंने डाले टमाटर, तो फिर मैंने अदरक लहसुन इसमें डाला अच्छे तरीके से, वो भी भुनाई, उनकी सबको डाल के किया, फिर स्पाइसेस डाले अपने जितने हम खाते हैं, तो इनको भी अच्छे तरीके से भुनाई करके, तो थोड़ा सा मैंने पानी लगा दिया था कि जितनी कसर आ गई चिकन में गलने में थोड़ी सा वो भी गल जाए। तो यहाँ पे अच्छी तरीके से बनाई भी सब कुछ हो गया था। तो अच्छा जी, इसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली मुझे वीडियो आपको देखने के को मिले, रमज़ान में भी अच्छी अच्छी वीडियो आपको देखने को मिलेंगी। और उसके बाद ही हमने जाना है गुजरात, अपने गाँव में, अपने ससुराल, तो वहाँ पर भी आपको अच्छी अच्छी सी वीडियो देखने को मिलेंगी, तो जल्दी से सब चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हंडी तैयार हो गई थी, तो उसमें फिर अदरक लहसुन गरम मसाला डाल के तो हमने बस डिश आउट किया। सालन तैयार होने के बाद फिर हमने बनाई रोटी, तो रोटी भी हमने जल्दी से बना ली थी, और उसके बाद खाना खाया, खाना की वीडियो मैंने शूट नहीं किया। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, ताकि आपके पास मज़ीद वीडियो पहुँचे। अल्लाह हाफिज़।